नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। स्वागत है आपका यूपी उत्तराखंड के खास बुलेटिन में। हरदोई में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बयान देते हुए कहा कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश चिंतित है कि भारत में मुस्लिम भाइयों के साथ अच्छा नहीं हो रहा है, इससे छवि खराब हो रही है और ये छवि खराब भाजपा कर रही है। उन्होंने कहा कि आज राजनीतिक माहौल बन रहा है और इस बार गठबंधन तैयार हो रहा है जो एक साथ मिलकर काम करने जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि दल ही नहीं, हमारा दिल भी मिल रहा है और सपा ने जिसको भी जोड़ा है बड़ा दिल करके जोड़ा है। मुझे नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने पूरे अमेरिका का कार्यक्रम देखा होगा। हमारे गांव में एक कहावत है कि कभी कभी सरस्वती आ जाती है जीप पर, आपके यहाँ भी एक कहावत होगी। तो सोचिए, हमारे प्रधानमंत्री जी इन्वेस्ट की जगह इन्वेस्टिगेट कह दिया, आपने सुना कि नहीं सुना? और अमेरिका आपको बाजार समझता है, अमेरिका के हवाले आप बाजार कर रहे हैं, आपको उद्योग नहीं मिल रहा, कारोबार नहीं मिल रहा, आपका बाजार अमेरिका ले रहा है। और यहाँ कौन नहीं जानता, ये जितने नौजवान है सबके पास मोबाइल है, इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोबाइल से ही अपने गांव में सामान मंगा लेते होंगे। क्या अमेजोन से सामान नहीं मंगा रहे ये लोग? अमेजोन कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। तो सोचिए, हमारा बाजार उनके हाथ में है और ये नौजवान भूल ना जाए, ये जो जो सामान बना रहे हो वही। बाराबंकी के जैतपुर में पुलिस टीम द्वारा कस्बा के विभिन्न स्थानों पर बाइक गश्त करते हुए शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील की गई। आपको बता दें कि कस्बे में बकरीद और अन्य गतिविधियों के चलते पुलिस द्वारा कस्बा के कई जगहों पर बाइक गश्त की गई और सुरक्षा व्यवस्था का एहसास दिलाया गया। वहीं झांसी में लोक सेवा आयोग की परीक्षा आयोजित की गई। विभिन्न सेंटरों पर इस परीक्षा का पेपर आयोजित किया गया, लेकिन सुबह से ही हो रही मूसलाधार बारिश ने परीक्षार्थियों को बेहद परेशान कर दिया। बांदा, गाजियाबाद, कानपुर, उन्नाव सहित उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हुए परीक्षार्थी बारिश की वजह से बेहद परेशान नजर आए। वहीं इस मूसलाधार बारिश की वजह से बहुत सारे परीक्षार्थी तो अपने अपने परीक्षा केंद्र भी नहीं पहुंच सके। इसके लिए परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों की भीड़ काफी कम नजर आई। वहीं झांसी में महिला सशक्तिकरण के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महिलाओं को जागरूक करने को लेकर जानकारी दी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पुलिस क्षेत्राधिकारी अरुण कुमार चौरसिया ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि यदि किसी भी महिला को घरेलू सामाजिक समस्या हो तो पुलिस विभाग के नंबरों पर सूचित करें, पुलिस 24 घंटे उनके साथ है, सूचना देने वालों का नाम गोपनीय रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई भी शिकायत करने से पहले अपने विवेक का प्रयोग जरूर करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसी निर्दोष को सजा ना मिले। साथ ही उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को संस्कार अवश्य दें जिससे वो सही रास्ते पर चल सके। उन्होंने खुले मंच पर कहा कि अपनी समस्याओं को खुलकर बताएं और उसका निवारण किया जाएगा। बकरीद को लेकर कोतवाली परिसर में एक शांति मीटिंग का आयोजन किया गया, जहां गणमान्य लोगों के बीच मीटिंग का आयोजन हुआ। मीटिंग में उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक अभय सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा, तहसील यूसुफ अली और नगर निगम के SNA मौजूद रहे। मीटिंग के दौरान नगर के सभी ने अपने विचार रखे, जिसमें लोगों ने सड़क, पानी की व्यवस्था और साफ सफाई व्यवस्था पर ज्यादा जोर दिया। इस दौरान लोगों ने प्रशासन से अनुरोध किया कि ईद के समय कोई भी शरारती तत्व त्योहार को खराब करने में अपनी भूमिका न निभाए, उसके लिए कठोर कार्रवाई की जाए और पुलिस प्रशासन को जगह जगह लगाया जाए।
इसके साथ ही एसडीएम अभय प्रताप सिंह ने कहा कि कुर्बानी को खुले स्थान पर न किया जाए, उसको बंद स्थान पर ही करें, कुर्बानी का खून नालियों में न बहाया जाए। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी अभय सिंह ने कहा कि कुर्बानी शांतिपूर्ण ढंग से किया जाए, कुर्बानी किए गए पशु का वेस्टेज को खुद दफन कराएं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कुर्बानी करते समय किसी भी तरीके का कोई वीडियो या ग्राफिक ना बनाए, ना ही इसे वायरल करें। अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का वीडियो वायरल करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जून को ईद उल अजहर का त्यौहार है और उसी के संबंध में चूंकि थाना लेवल पे ये एक स्थापित परंपरा है कि जो भी इससे जुड़े हुए विभाग है, चाहे वो नगर निगम हो, एसडीएम साहब की टीम हो या थाने की टीम हो, और जो इससे जुड़े हुए स्टेक होल्डर हैं, सबकी एक मीटिंगें कर ली जाए। और इसके संबंध में, त्यौहार के संबंध में, चूँकि कुर्बानी की परंपरा है, तो अगर कहीं कोई समस्या विगत वर्षों में आई हो या कोई नया डेवलपमेंट हुआ जिससे कि कोई समस्या आने की आशंका हो, तो एक बार मीटिंग करके और प्रशासनिक जो मशीनरी है उनके द्वारा आवश्यक तैयारियां कर ली जाती हैं। चाहूँगा ईद को लेके काशीपुर में आज जो है इसमें पुलिस के द्वारा, राजस्व की टीम, निगम की टीम, बिजली विभाग की टीम, जल संस्थान की टीम एक बैठक की गई, क्योंकि आने वाले 29 तारीख को ईद का त्यौहार है, इसी को लेकर बैठक की गई। बैठक में कुछ कुछ मेन बिंदु जो आए वो हैं सफाई को लेके, बिजली को लेके और शांति व्यवस्था बनाने को लेके, तो इन सब चीज़ों पर चर्चा हुई। पुरानी जो व्यवस्था बनी हुई है उसी के अनुसार कराया जाएगा, नई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत नेपाल सीमा पर बनाए जा रहे सूखा बंदरगाह निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा शारदा नदी से प्राइवेट कंपनियों को मिट्टी निकालने का काम दिया गया है, जिसमें खनन कर रही मशीनों से नदी के बांध को काट मिट्टी निकालकर नदी के अस्तित्व को खतरे में डालने का काम किया गया। साथ ही मिट्टी को ले जाने वाले डंपर ने सूखा पुल के किनारे लगी स्ट्रीट लाइट के खंभों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके चलते आसपास के ग्रामीणों ने विरोध कर कंपनी के काम को रोक खनन करने का विरोध किया। मामले में ग्रामीणों ने बताया कि ठेकेदारों द्वारा नदी के तटबंध को काट दिया गया था, जिसके चलते यदि भविष्य में नदी का बांध टूट गया तो आसपास के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाएगी। ये जो मामला है, हमने इसकी शिकायत इरिगेशन के अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से कई बार कर चुके हैं कि नहर में पानी छूटने के बाद और मानसून आने के बाद कि खनन का काम नहीं 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 चालू होता है, फिर भी इनकी मनमानी ठेकेदारों के द्वारा, इनसे कई बार कहा जाता है कि ठेकेदारों के द्वारा कि हमने अधिकारियों से बात कर ली है, हमने उन्हें पैसा पहुंचा दिया है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पानी छूटा हुआ है नहर में, और ये डोला, ये आप डोला देख सकते हैं क्या हालत है, और ये आप सामने देख सकते हैं ये रोड है, आप देख सकते हैं। और माननीय हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का ये घरा क्षेत्र है, नगला तराई काला पुल, आप देख सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मऊ स्थित रोडवेज बस स्टैंड पर डग्गा मार वाहनों के खिलाफ उस वक्त रोडवेज कर्मचारी आक्रोशित होते जब रोडवेज गेट पर एक प्राइवेट बस द्वारा यात्रियों को भरा जा रहा था, जिसका विरोध करने पर कर्मचारियों और प्राइवेट वाहन चालकों के बीच तीखी झड़प हो गई, जिसके बाद रोडवेज के कर्मचारियों ने रोडवेज के मुख्य गेट पर सड़क पर वाहनों के बीचों बीच रोडवेज बस को खड़ा कर सड़क जाम कर दिया और जमकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। रोडवेज कर्मचारियों द्वारा सड़क जाम करने से दोनों तरफ आवाजाही बाधित हो गई, जिससे यात्रियों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जाम की सूचना पाकर कुछ देर बाद पहुंची पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर जाम को समाप्त करवाया, तब जाकर यातायात व्यवस्था का संचालन शुरू हो चुका। नहीं नहीं, अभी एआरएम साहब ने इस गाड़ी को रोका तो शायद किसी उसने कुछ धमकी वगैरह इनको दी है। एआरएम सर का ये आरोप है, हम लोग तो अवेलेबल है ही हैं और हम लोग तो रोकते ही हैं, और साथ में कोई होगा साथ में ज्वाइंट चेकिंग हो जाएगी। मैम धमकी क्या, धमकी एआरएम साहब को उन्होंने दी है, क्या दी है ये वही बता पाएंगे। मुझे अभी बुलाया गया, मैंने गाड़ी सीज कर दी है। कौन है गाड़ी का मालिक? मैम गाड़ी नीतीश कुमार सिंह के नाम है। और क्या धमकी दी गई है? अभी ये आपको एडम साहब बताएंगे, क्योंकि उन्हीं को धमकी दी गई है। वहीं कासगंज में बकरीद को लेकर इस बार खासा उत्साह नजर आ रहा है। मुस्लिम समाज के लोग कुर्बानी के लिए बकरों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। सोमवार को कासगंज के गंज डुगरावारा नगर में सहावर रोड पर लगने वाला नकासा बाजार में बकरों की खरीद फरोख्त के लिए सैकड़ों लोग पहुंचे,
नकासा बाजार में करीब 300 बकरों की बिक्री हुई। अगर बकरों की कीमत की बात की जाए तो 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक इसकी कीमत रही। कितने कीमत तक का बकरा बिका हुआ? 10,000 से 50,000 तक का बकरा बिका है। कितना बकरा बिका हुआ? लगभग 350 बकरा बिका है। तब तक ये बकरा बाजार में लगा? आज का लास्ट बाजार था सोमवार का। इससे पहले जो बिक्री हुई थी वो कैसी थी? इससे अच्छी भी बिक्री हुई थी और आज भी अच्छी बिक्री हुई है। वहीं महोबा में बकरीद और सावन महीने को लेकर पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की चर्चा की गई। डीएम एसपी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक का आयोजन हुआ। साथ ही फैसला किया गया कि बकरीद में कुर्बानी की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट न की जाए, साथ ही खुले जगह पर कुर्बानी करने की मनाही की गई। त्योहारों के मद्देनजर सोशल मीडिया पर पुलिस की कड़ी निगरानी रहेगी। आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। यह पीस बैठक कलेक्टर सभागार में आयोजित की गई। वहीं प्रयागराज जिले के थरवई क्षेत्र में पिकअप गाड़ी को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर एक बस पलट गई, जिसमें बैठे दर्जनों दर्शनार्थी घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक सोमनाथ विश्वकर्मा निवासी तिवारीपुर सहसो निशाना चढ़ाने पंडेश्वर नाथ धाम पड़ीला आए हुए थे। निशान चढ़ाने के बाद दोपहर 4 बजे वापस बस से घर जाने लगे। जैसे ही जैतवारा डी गांव के सामने पुलिया के पास वो पहुंचे, तभी सामने के मोड़ पर एक पिकअप गाड़ी आ जाने से बस अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे को तोड़ते हुए पलट गई। बस में सवार निशान चढ़ाने आए दर्जनों दर्शनार्थी घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस से इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। वहीं झांसी के टहरौली क्षेत्र के ताई में एक महिला जब अपने घर पर अकेली थी, तभी सफाई करते समय कूलर में दौड़ रही करंट की चपेट में आ गई, जिससे महिला की मौत हो गई। परिजन घर पर वापस आए तो उन्होंने देखा कि महिला कूलर के सामने जमीन पर पड़ी हुई है। आनन फानन में महिला को इलाज के लिए प्राथमिक केंद्र लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने जांच के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। झांसी के सिद्ध बाबा ज्वेलर्स में दो चोरों ने दुकानदार से ठगी कर ली। दुकानदार का आरोप है कि बाइक सवार दो युवक उसके दुकान में आए और अंगूठी खरीदने की बात करने लगे। उन्होंने 2 सोने की अंगूठी खरीदने की बात कही। मैंने 2 अंगूठी दिखाया जिसकी कीमत 40,000 थी। दोनों युवक पहले भी दुकान में 3 बार आ चुके हैं, तभी दोनों युवक अंगूठी को घर दिखाने की बात कहकर ले गए। मैंने भरोसा करके उनको अंगूठी दे दिया, लेकिन वो वापस नहीं आए। जब उनके नंबरों पर कॉल किया गया तो वो नंबर बंद आ रहे थे। पीड़ित ने मामले को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाया है। क्या अंगूठी ले गए? 2 अंगूठी ले गए। 8 ग्राम की। क्या कह रहे थे, कहाँ दिखाने जा रहे? बोले हम घर दिखा ले, घर के लाने। आप पहचानते थे उन्हें? हम 2-3 लोग हमें सिद्धि बना रहा हूँ। कितने बार? हमें सिद्धि बार 2-3 बार हो गए जी। 2-3 बार हो गए। हाँ। क्या कह रहे थे, कहाँ पे जा रहे? हम पुलिस में चौकी में। चौकी में रहते हैं? पुलिस चौकी में। हाँ। वहीं बहराइच में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटका हुआ रोडवेज परिचालक का शव मिला। युवक का नाम सचिन है, जो मऊ के मधुवन का रहने वाला है। युवक पिछले 5 सालों से बहराइच डिपो में संविदा परिचालक कर्मी के पद पर तैनात था और यही रोडवेज डिपो के पास रहता था। उसके पिता ने जानकारी देते हुए बताया कि किसी लड़की के मामले में आज उसको सरेंडर होना था। उसी विषय पर हम उसको फोन लगा रहे थे, पर उसका फोन नहीं लग रहा था, जिसके बाद हम लोग उसके कमरे पर गए, जहां संदिग्ध परिस्थिति में युवक फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सर, क्या उसके विषय में हम बताऊं? आया था, हम देखा नहीं था। कॉन्ट्रेक्टर जो है ले जा करके दिखाए और जो पार्टनर फील्ड में रहते थे और जो है कि जब वो दिखाए तो गए तो वो नासिर लटका हुआ मिला। पता नहीं, हम लोग ड्यूटी से आए, उनके मम्मी पापा आए थे, कहाँ मिलवा दीजिए, हम लोग कमरा देखे नहीं थे। एक परिचालक था, वो देखा था।
वो ड्यूटी से आया तब इनके कमरे पर आए तब पता चला कि फांसी लगी है। ये क्या कोई बीमारी उमारी थी? नहीं बीमारी नहीं, ड्यूटी पे थे। ड्यूटी पर नहीं। क्या लग रहा है कि ऐसा कदम उठा सकते? नहीं ऐसा नहीं। वहीं कासगंज में तेजाब पीने से हुई महिला की मौत के मामले में महिला के बेटे की शिकायत पर दो बहनों और बहनोई सहित एक सिपाही पर पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है। तत्काल पुलिस ने दो बहनों को जेल भेजने की कार्रवाई की है, तो वहीं आरोपी सिपाही और बहनोई फरार हो गए हैं। दरअसल कासगंज की सोरो कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले नटवरलाल त्रिवेदी की पत्नी प्रभा ने 16 जून को तेजाब पी लिया था। घटना के बाद तत्काल उन्हें कासगंज के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर देखते हुए अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया था, जहां उसी दिन उपचार के दौरान प्रभा ने दम तोड़ दिया था। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वाला इंडिया।